आप आई, मैं इतनी टच्ड हूँ यहाँ आके और मेरा दिमाग इतना चल रहा है क्योंकि मैं अपनी लाइफ में पीछे झांक कर देख रही हूँ। मैं खुद एक बहुत छोटे टाउन से हूँ, अम्बाला से। आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन मैं अम्बाला से हूँ। और बड़े होते हुए हमारे पास बहुत बहुत मुश्किलें थी, मैं और मेरे दो भाई थे और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। तो मैं स्कूल जाती थी साइकिल पे, क्योंकि हमारे पास कोई गाड़ी, ड्राइवर, बस के पैसे ये सब नहीं थे। तो मेरे पास एक साइकिल था और मैं जाती थी, और स्कूल मेरा सिर्फ 15 मिनट दूर था सिर्फ। और अम्बाला बहुत ही छोटा शहर है, तो आप सोचो कि जुहू जितना है उतना पूरा अम्बाला है। एंड मेरे डैड को इतना डर लगता था सुबह 6-7 बजे कि वो मेरे पीछे पीछे थोड़ी दूरी पे खुद अपनी साइकिल पे आते थे, जस्ट टू सी कि कोई लड़का छेड़े या ना छेड़े, क्योंकि मैं स्कूल की स्कर्ट पहन के जाती थी। एंड कई बार ऐसा हुआ है कि लड़के आके मुझे छेड़ते थे, वो आके मेरे साथ साथ चलते थे, मेरी स्कर्ट को ऐसे उठाने की कोशिश करते थे। और मैं अपने मम्मी पापा से इतना नफरत करती थी कि आप क्यों मुझे साइकिल पे भेजते हो, आप क्यों मुझे नहीं जाते। लेकिन मेरे पापा बोलते थे नहीं, तुझे स्ट्रांग होना है। उस टाइम पे मुझे वो बात समझ नहीं आई, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं ऐसी क्लास में आऊँ और मैं पैसे दूँ और मैं इतना सीखूँ अपने लिए। और मैं इतनी खुश हूँ कि सर इतना केयर करते हैं, इवन आदित्य, कि बिना पैसों के वो आप लोगों को सिखा रहे हैं। ऐसा कुछ जो हमें फोर्स करना पड़ रहा है अपने आप को सिखाने के लिए, वो तो चीज़ आई थिंक वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आज की हमारी कंट्री की स्थिति ऐसी है। लेकिन आई एम सो ग्लैड कि आप लोग सब आ रहे हो, कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनते हो, जिस तरह से आप लोग काम पे जाते हो उन्होंने मुझे बताया, वो लोग वही कपड़े आपको रियल लाइफ सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। सो थैंक योर सेल्स कि आप लोग आज यहाँ ग्रेजुएट हो रहे हो। आप लोग, यू ऑल आर मच स्ट्रॉन्गर वुमेन। आप लोगों के पास वो फैसिलिटी है जो शायद मेरे पास भी नहीं थी और मेरी जैसी लाखों लड़कियों के पास नहीं है, तो मेक यूज़ ऑफ इट। जब भी, आई होप आपके पास ऐसी सिचुएशन कभी ना आए, लेकिन कभी भी आए तो एक पंच मारो। एंड आई थिंक जतिन सर, विपुल सर, सब ने आपको बहुत कुछ सिखाया, अभिषेक, सो मेक यूज़ ऑफ दैट, गो किक सम ऐस। Yeah, see, I thought I'll wear a t-shirt which just says everything without saying anything. So, definitely I support self-defense. But don't you think, rather than teaching girls self-defense, we should start teaching men self-control and we should start... See, jaise maine aapko, would you like... No, say na, no, say please. I genuinely feel, and I'm sad to say this, that is almost an unachievable dream, because you know how it is. I mean, literally, we cannot go to every person, every boy, and be like, please, aisa mat karo. They are not going to be like, okay, nahi karenge. You know, that's not possible. So, like he said, if agar halaat bure hain, to humko hi kuch karna padega. And I mean, God forbid, nobody should have to use these skills on the street, in the road, in the middle of the night. I hope aisa सिचुएशन ही कभी ना आए, बट एटलीस्ट यू आर प्रिपेयर्ड। सो आई फील लाइक ही सेड, इट गिव्स यू सेल्फ डिफेंस इन योर लाइफ ऑल्सो, इट गिव्स यू सेल्फ डिसिप्लिन, सॉरी, चाहे आप घर में हो, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, काम पे हो, एटलीस्ट यू फील कॉन्फिडेंट, यू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ। एंड होपफुली इन अनदर 10, 15, 20, 50 ईयर्स इट्स नॉट नीडेड एट ऑल, बट इट्स एब्सोल्युटली अनअचीवेबल आई फील। You know, the men who will come for these sessions are the ones who are not going to attack in the first place. The ones who attack and the ones who actually need those sessions will